सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज के हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट के बारे में, जो कि है हिमाचल प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट। क्लास 10 के बच्चे बहुत टाइम से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और अब आ चुका है आपका टाइमिंग कि कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो कुछ टाइम में आपका रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा, तो उसके बाद आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वो बताने वाली हूँ। और रिजल्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, रिजल्ट के बाद आपको क्या क्या चीजें जो है दिमाग में रखनी है, क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें कर लेनी है तभी की तभी, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो एचपी बोस जो है, मतलब कि एचपी बोस जो कि है 10th रिजल्ट जो है उसका, वो डिक्लेयर होगा मेनली आज। आज क्या है, 7 मई, और डेट जो है वो क्या है, मतलब टाइमिंग जो है वो है 11 AM, मतलब सुबह 11 बजे के करीब जो आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। ये भी बता दिया गया कि अपना रोल नंबर रेडी रखना, ताकि जैसे 10th का रिजल्ट आएगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज HPBOSE.org इस पे जाके अपना जो रोल नंबर है वो एंटर करके, डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर करके, जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं उन्हें एंटर करके आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन दैट इज HPBOSE, जो कि अनाउंस करेगा आपका क्लास 10th का एचपी बोर्ड रिजल्ट ऑनलाइन टूडे 11 AM एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अपेयर किया था वो चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है HPBOSE.org। उनको अपना एंटर करना होगा रोल नंबर एंड टू व्यू द एचपी बोर्ड 10th क्लास रिजल्ट मार्कशीट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो रोल नंबर वाइज है एचपी बोर्ड का 10th ऑनलाइन रिजल्ट जो वो प्रोवाइड किया जाएगा इन प्रोविजनल फॉर्म्स। स्टूडेंट जो भी अचीव करते हैं 10th में, मतलब पासिंग मार्क्स, विल गेट ओरिजिनल मार्कशीट थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज अथॉरिटीज, मतलब स्कूल से आपको मिलेगी बाकी मार्कशीट। जो मिनिमम मार्क्स है ऑफ स्टूडेंट्स टू पास आर 33% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब कि 100 में से आपके 33 नंबर आने जरूरी है ओवरऑल। नेक्स्ट बताया गया है कि जो एचपी बोर्ड जो है उसका रिजल्ट कब, कहाँ और कैसे डिक्लेयर होगा। तो एग्जाम डेट आपकी रही थी 2 मार्च से लेकर 21 मार्च तक की, फिर रिजल्ट डेट आपकी आज की जो कि 7 मई, और रिजल्ट टाइमिंग आपका आज का ही जो कि है 11 AM का अराउंड। दो वेबसाइट आपको बताई गई है, एक तो मैं आपको बताई चुकी हूँ डेट इज HPBOSE.org, सेकेंड इन IndiaResults.com। तो यहाँ पे भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। कैसे चेक करेंगे अपने रिजल्ट, तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, देन आप क्लिक करेंगे मेन्यू बार में, क्लिक ऑन द रिजल्ट्स मेन्यू, एंड जैसे आप ओपन करेंगे अपना HPBOSE 10th रिजल्ट मार्च 2024, तो आपकी न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। उस विंडो पे आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है और सबमिट कर देना है, और जैसे आप सबमिट करेंगे तो जो ऑनलाइन मार्कशीट है वो आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगी। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको एक बार पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। कौन कौन सी डिटेल्स आपकी मैंशन होगी आपके रिजल्ट पे, तो दैट इज योर रोल नंबर, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, सब्जेक्ट्स के नेम्स, मार्क्स आपने कितने स्कोर किए हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके कितने मार्क्स रहे, टोटल मार्क्स कितने आपके, डिवीजन क्या रही है आपकी, और स्टेटस ऑफ एचपी रिजल्ट की, क्या आप पास है या फिर आप फेल है, तो सब कुछ मेंशन होगा आपके मार्कशीट पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट 3 ईयर का 10th रिजल्ट अगर हम देखें तो ओवरऑल पास परसेंट जो है अराउंड 89 रही थी जब 2023 में, देन वी हैव 2022 में 87 और 2021 में 99, क्योंकि वो कोविड का टाइम भी चल रहा था इसलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेट टाइम के बारे में, तो मैंने आपको बताया था किस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा सब कुछ। एचपी बोर्ड का जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसके में अगर हम बात करें तो A1 ग्रेड्स वाले बच्चों को जो है वो मिलेंगे 100 पॉइंट्स ग्रेड पॉइंट्स। उसके अलावा ये आपको ग्रेड पॉइंट्स के अभी ग्रेड्स के बता रखे कि A1 B1 C1 मतलब B2 C2 ये किस किस को मिलेंगे, D किसको मिलेगा, और E1 वो होगा जनरली जो फेल हो गए होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉपर्स की लिस्ट जो है वो भी अनाउंस करती जाएगी जैसे ही जो रिजल्ट पब्लिश होगा उसके बाद। बाकी कुछ इस टाइप का जो है आपकी सैंपल इमेज है आपकी मार्कशीट की, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम लिखा आएगा, यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे अपेयरिंग्स टाइप मतलब कौन सब्जेक्ट वगैरह कौन कौन से थे, रोल नंबर, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपके सारे मार्क्स यहाँ पे मैंशन आएंगे, ये सारे आपके मार्क्स हैं, ये सारे आपके टोटल मार्क्स हैं, और ये आपके मार्क्स जो कि आपके प्रैक्टिकल में आए हैं, टोटल ग्रेड और फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आपका आएगा। उसके अलावा हम बात करें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके द्वारा ही अनाउंस किया जाएगा आपका रिजल्ट। कब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो अराउंड 11 AM तक डिक्लेयर किया जाएगा आज। क्रेडेंशियल्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो वो होगा आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, बाकी तो आपका नॉर्मल रोल नंबर से भी आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर पाएंगे। तो अपना रोल नंबर जो है वो ढूंढ के रखना आज में मतलब अभी अभी में ढूंढ के रख लेना, ताकि रिजल्ट के टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते लास्ट तो डेट इज कैसे आप डाउनलोड करोगे, तो वो मैंने आपको बता दिया ऑफिशियल वेबसाइट जाके, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताई चुकी हूँ। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।